चांद या चंद्रमा धरती से दिखने वाली एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का हर बच्चा चौंक कर देखता है। इस चंद्रमा ने अपने भीतर कितने राज छुपा रखे हैं, इसको लेकर कितने सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। चांद एक ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। बच्चों की कहानियों से लेकर आधुनिक विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स तक चांद को लेकर आज तक एक अट्रैक्शन बना हुआ है। दुनिया भर के कवि, शायर और लेखक चांद पर हजारों बातें लिखते हैं। 21 जुलाई 1969 को ऐसी एक घटना हुई जिसने इंसान और चांद के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा उछाल था। ये घटना दुनिया की पहले इंसान की चांद पर कदम रखने की है। चांद पर इंसान की मौजूदगी दर्ज कराने वाला सबसे पहला शख्स था नील आर्मस्ट्रांग। वह रातों रात दुनिया में एक लेजेंड बन गया था। उसने इंसान के इतिहास को बदल कर रख दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं मिलन बास्तोला। हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने स्कूल के साइंस बुक में नील आर्मस्ट्रांग का नाम न सुना हो। वह एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे। वह एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना ऑफिसर, पायलट और प्रोफेसर भी थे। उन्होंने अमेरिका की ओर से कोरिया की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। दुनिया आर्मस्ट्रांग को अपोलो 11 की कमांडर के रूप में जानती है। अपोलो 11 में आर्मस्ट्रांग के साथ बज अल्ड्रिन भी थे। वह चांद में पहुंचने वाले दूसरे इंसान बने। माइकल क्लोरिन्स नाम के एक व्यक्ति भी उनके साथ मिशन पर मौजूद थे, लेकिन वह चांद पर कदम नहीं रख पाए। चांद पर जाने से पहले नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेमिनी मिशन के लिए भी स्पेस में ट्रैवल कर चुके थे। अपोलो 8 के बाद अपोलो 11 मिशन को चांद पर भेजने का फैसला किया गया। क्लोरेंस और अल्ड्रिन के साथ अपोलो 11 में बैठे नील आर्मस्ट्रांग की दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी कि एक मिनट में उनका दिल 110 बार धड़कने लगा था। अपोलो 11 मिशन के साइंटिस्ट ये चाहते थे कि जैसे तैसे वह स्पेसक्राफ्ट को चांद पर सुरक्षित लैंड कर जाए। वह बताते हैं कि चांद पर उतरने के लिए जब लूनर मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उस समय टेक्निकल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आने से वो स्पेस से धरती पर बात नहीं कर पा रहे थे। जब बज अल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल को चांद पर उतारने की कोशिश की तो उन्हें 500 फीट नज़दीक पहुंचने पर उन्हें दिखाई दिया कि एक गहरा खड्डा उनके ठीक सामने था जिसमें उनका स्पेसक्राफ्ट गिर भी सकता था। वह उस खड्डे की 100 फीट नज़दीक पहुँच गए। उस समय नील आर्मस्ट्रांग को स्पेसक्राफ्ट संभालना था। वैसे तो स्पेसक्राफ्ट खुद भी ऑटो पायलट मोड पर चल सकता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त उसे पायलट को ही चलाना पड़ता है। इसलिए उनकी चिंता और बढ़ गई थी क्योंकि ये इतिहास में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतर रहा था। उस समय अल्ड्रिन आगे देखते हुए उन्हें बता रहे थे कि स्पेसक्राफ्ट को कहाँ और कब उतारना है। फाइनली उन्होंने समझदारी के साथ स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करा दिया। हमारी पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। उसी वजह से हम धरती पर आसानी से चल पाते हैं, लेकिन चांद पर धरती के तुलना में काफ़ी कम ग्रेविटी होती है। इसी वजह से उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि चांद पर चलने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। 21 जुलाई 1969 के ऐतिहासिक दिन पर लूनर मॉड्यूल से उतरकर एक इंसान पहली बार धरती के नेचुरल सेटेलाइट यानी चांद की सतह पर कदम रख चुका था। चांद पर कदम रखते ही सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। चांद पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रांग और अल्ड्रिन ने काफी देर तक चलकर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि चांद पर चलना पृथ्वी के चलने के मुकाबले काफी आसान है। उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स दोबारा लूनर मॉड्यूल में बैठे और धरती पर वापस जाने के लिए निकल पड़े। वापस लौटते समय नील आर्मस्ट्रांग का स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में जा गिरा, जहां से अमेरिकी जहाज की मदद से उन्हें घर तक पहुंचाया गया। घर जाने से पहले 18 दिन तक उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जांच होती रही कि उन्हें कहीं चांद पर जाने से कोई बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। जाँच के बाद पता चला कि वह तीनों पूरी तरह से फिट है। उसके बाद उन्हें उनका घर भेज दिया गया। अपोलो 11 मिशन से लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने यह ऐलान कर दिया कि वह अब दोबारा कभी भी स्पेस ट्रैवल नहीं करना चाहते। इसलिए 1971 में उन्होंने नासा से अपना रिटायरमेंट भी ले लिया।
उसके बाद अमेरिका की सिनसिनेटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। वहां उन्होंने 8 साल प्रोफेसर का काम किया। 1979 में उन्होंने वहां से भी रिटायरमेंट ले ली। आगे चलकर वह नासा के कुछ मिशंस से जुड़े रहे, जहां उनका काम खराब होने वाले स्पेसक्राफ्ट या एक्सीडेंट की वजह से असफल हुए मशीनों की जांच करना होता था। हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में हमें कुछ सलाह देना चाहेंगे तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को धैर्यतापूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।